सो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से स्विफ्ट कोड को कैसे पता कर सकते हैं किसी भी बैंक का कैसे। तो मैं आपको बताते हैं स्विफ्ट कोड का पहले काम जान लीजिए क्या होता है। कि अगर आप एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और आप एडसन में जब बैंक अकाउंट यानी कि जुड़ते हैं, जुड़ने के समय वहाँ स्विफ्ट कोड मंगा जाता है, तो आपके पास स्विफ्ट कोड नहीं होता है और आप अपने ब्रांच में जाते हैं तो आपको ब्रांच पे भी नहीं मिलता है और आपको उसका डिटेल बताना पड़ता है कि स्विफ्ट कोड का तुमको क्या ज़रूरत है, ये वो आपको बहुत ही फलाना ढकाना बोलेगा। तो इसलिए आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको अपना ब्रांच में भी नहीं जाना, आपको अपने मोबाइल फ़ोन से पता करना है कि स्विफ्ट कोड कैसे पता कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी गूगल को ओपन कर लेना होगा। जैसे गूगल को ओपन करें, ओपन करने के बाद आपको स्विफ्ट कोड जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद पहला वाला ऑप्शन वेबसाइट आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस वाला वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आपको यहाँ से अपना मोबाइल फ़ोन के अंदर थ्री डॉट पर जाके आपको यहाँ से डेस्कटॉप साइट कर लेना है। डेस्कटॉप साइट पर जाने के लिए आपको जूम करना है। जूम करने के बाद आपको यहाँ स्विफ्ट कोड का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा कंट्री सेलेक्ट करने के लिए, आपको यहाँ से कंट्री, बहुत सारा कंट्री आ जाता है। देखिए कितना कंट्री है, यहाँ से कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है आपको। देखिए मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, आपको अपना मोबाइल फ़ोन के अंदर इंडिया तो सेलेक्ट हो गया, आपको बैंक का नाम चूज़ करना है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कोई भी बैंक ले लेता हूँ, एक्सिस बैंक ले लेता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ से कोई भी बैंक ले लेना है, जैसे कि अभी सर्च हो रहा है। जैसे सर्चिंग होने के बाद अब आपको यहाँ से सर्चिंग पर क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो जैसे वेटिंग लेगा, वेट करने के बाद आपको यहाँ से अपना क्या करना है, आपको यहाँ से अपना यानी बैंक का ये स्टेट चूज़ कर लेना, दिल्ली चूज़ कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ से अपना सिटी चूज़ कर लेना। थोड़ा सा आपको वेट करना, क्यों, क्योंकि जैसे ही ये वेट यानी कि ये लेगा प्रोसेसिंग, प्रोसेस ले लेंगे, फिर आपको एक बार फिर ये करना, उसको यहाँ से आपको अपना बैंक का ब्रांच चूज कर लेना। जैसे बैंक सिटी चेंज कर लें, चूज करने के बाद आपको यहाँ से फिर ब्रांच चूज़ करना है, जितना मांगेगा उसको चूज़ करने के बाद। जैसे ही इस तरह का चूज़ कर लेंगे, करने के बाद अब आपको करना क्या है, तो दोस्तों जैसे फाइनली आपका यानी प्रोसेसिंग लेने के बाद आपको स्विफ्ट कोड पता कर देगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्विफ्ट कोड आपका, देख सकते हैं, ये देखिए एक्सिस बैंक का जो है स्विफ्ट कोड ये है, ब्रांच ये, बैंक का नेम ये है, ब्रांच ये है, और आपको यहाँ सिटी ये है, स्टेट ये है, कंट्री ये, आपको पूरा दिखाई देगा। आप जूम करके इतना देख सकते हैं, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपका ब्रांच क्या है, आपका स्विफ्ट कोड क्या है, ये पहले स्विफ्ट कोड है, उसका ब्रांच का नाम है, उसका आपका कौन सा बैंक है, पूरा दिखाई देता है। तो आपको स्विफ्ट कोड से मतलब, तो आपको यहाँ से स्विफ्ट कोड पता हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि स्विफ्ट कोड आपको पता कैसे करना है। तो ये वीडियो कैसा लगा, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।